अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर, आज हम इसके एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने फर्स्ट टू पार्ट्स जो हैं फर्स्ट क्वेश्चन के उनको सॉल्व कर लिया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन के तीन पार्ट्स आप लोगों की नेक्स्ट असाइनमेंट है, इसको आप लोग जो है वो सॉल्व कर लें। तो पहले उन्होंने क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि कम से कम मुख्ततिम लागत मालूम करें, और आपको स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में एसी का फंक्शन दिया हुआ है। एसी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 5q+14। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि एसी आपको पता है कि मुख्ततिम लागत जो है वो कुल लागत का पहला डेरिवेटिव होता है। आप एसी के फंक्शन से टीसी निकालेंगे, को क्यू से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो टीसी आ जाएगा। जब आपके पास टीसी आ जाता है तो स्टूडेंट्स उसका आप पहला डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू क्यू, आपके पास डी टीसी ओवर डी क्यू जो है वो आपके पास एमसी आ जाता है। स्टूडेंट्स, अब आपने कम से कम मुख्ततिम लागत को मालूम करना है तो इसके लिए दो शराइत होती है। कम से कम मुख्ततिम लागत के लिए कि मुख्ततिम लागत का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो के इक्वल हो, और सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। आपने जो आपने टीसी का फंक्शन निकाला है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू क्यू, यू हैव मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, और जब आप मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, जिसको आप एमसी प्राइम से जाहिर करेंगे, उसको आप जीरो के इक्वेट पुट करें और उसमें से आप क्यू की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर लें। फिर स्टूडेंट्स, आप एमसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू क्यू, और उसको उसमें अगर आपके पास क्यू की वैल्यू है क्यू है तो उसमें आपने जो क्यू की वैल्यू निकाली है फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करके, तो सेकंड डेरिवेटिव में आप उसको पुट करें और आपका आंसर जो है वो लेस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर आपकी दोनों कंडीशंस क्यू की वैल्यू पे फुलफिल हो जाती हैं तो यू कैन से दैट के जो क्यू की वैल्यू आपके पास आई है वहां पर मुख्ततम लागत जो है वो कम से कम है। तो स्टूडेंट्स, यही तरीका आपने सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में भी प्रोसीड करना है। इसको आप प्रोसीड करें, इसको आप सॉल्व करें दोनों तीनों पार्ट्स को, और ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप भी कर दें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती, इसमें किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती, तो उसको आप काइंडली मुझसे डिस्कस कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।